थेरीज़ा ने ज़ारा स्नेक क्या किया वो देखना आप लोग बस, फिर हम ब्लड एक्सट्रैक्शन सीरिन से क्या होता है वो दिखाएंगे, नेकरोटिक को कैसे एनिमल टेम करने के टाइम यूज किया जाता है वो बताएंगे, और मॉस्टर से फार्मिंग कैसे करवा सकते हो आप लोग वो भी देखेंगे। तो होला टेल्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से फिर से एक बार खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवेंट। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट डे को देखा था कि बाहर थेरीज़ा ने ज़रस घूम रहा है, जिस कारण मैं सारे एनिमल्स को अंदर लेके रख देती हूँ, और उसके बाद रात भी हो चुकी थी बहुत ज्यादा, इस कारण मैंने सोचा कि सो लेते हैं और देखते हैं सुबह अगर वो चला जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जाता है तो बाद में देखा जाएगा कि कुछ तो एक करना ही पड़ेगा कि उसको भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये देखो ये पागल बाहर ये तो बाहर से ही जा रहा है यार, क्या नहीं मेरे को लगा था कि चला गया, कोई भी मतलब कोई भी डेंजरस एरिया नहीं दे रही थी तो मुझे लगा कि ये चला गया, बट ये पागल को देखो, वो देखो देख रहे हो कैसे खड़ा है, मतलब इस पैराशूट को अलग ही धूम मची रहती है हमेशा, मतलब देखो 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 पीछे है, अरे चल ब्राउनी, अरे यार ये पागल है, पूरा पागल है, मतलब पैराशूट पालो ना, मतलब एक टाइप के एक स्टूपिड एनिमल होता है ना वो है, वो देखो मैं बुला रही हूँ इधर हूँ मैं और वो उधर देखे जा रहा है, अरे यार नहीं ले पाएगा तू पंगा यार, कमजोर है तू, देखो 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 कैसे स्टूपिड की तरह भागते भागते आ रहा है, अंदर आ, अरे अंदर आ पागल, देखो उसको ही देखे जा रहा है, क्या करना चाहता है पता नहीं, ये सब अंदर आ गए बस इसको नहीं आना, इसको मतलब बाहर रह के मतलब इसको क्या प्रूव करना है पता नहीं, चलो मैं ही अंदर करने की कोशिश करती हूँ, देखो कितने ज्यादा इन्वेंटरी इसके भारी हो चुकी है अभी, मतलब क्या ही बताए, अभी अंदर तो नहीं ले सकते, इधर मैं उतर जाती हूँ फिर उसे बुला लेती हूँ, एक सेकंड देख लेती हूँ, ओह शिट यार तो बिल्कुल आ रहा है, अरे यार अंदर चल ब्राउनी, ये पागल है, अरे ये लोग भी सामने सामने सब खड़े है, रुको जरा मैं इस साइड आके इन लोगों को व्हिसल देती हूँ, अगर तब जाके ये लोग अंदर आ जाए, देखो आ रहा है पागल सब आ रहा है अभी, मतलब क्या क्या है ये लोग, देखो 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 सबसे स्मार्ट कार्बोनी में सबसे स्मार्ट निकला इधर पे, बाकी सब स्टूपिड के दल है इधर पे, देखो देखो मतलब जिधर जा रही उधर ही आ रहा है, बाकी देखो कोई भी नहीं आ रहा है, और बाक और उसको देखो उस थेरीज़ा ने ज़रस को देखो कैसे अभी पानी के मतलब ये जाने का नाम नहीं ले रहा है, ये जगह ही गलत है, सच बताया था आप लोगों ने, जगह ही गलत है, मैंने गलत जगह चूज कर लिया सच्ची, इसको देखने में देखो मतलब भाई सा, बस मेरा ये लोग बच जाए और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं अभी, बस ये भाग जाए, जा रहा है जा बाबा तू जा, इधर रहने की दरकार नहीं है तू जा बाबा। तो फाइनली ये तो शायद जा रहा है, अभी हम एकदम ऊपर चढ़ के देखते हैं और वेट करते हैं थोड़ा, देखते कब तक ये निकलता है, पानी के उससे चले जाना भाई, क्यों इधर पे रुक के क्या प्रूफ करना चाहता है पता नहीं, पीछे ट्राइसरेटॉप्स आ रहा है उसके साथ जा ना भी जा, देखते हैं कब तक जाता है, जाने का नाम ही नहीं रहा, इधर ही घूमे जा रहा है कंटिन्यूअसली, और देखो रैफ्ट में चला है, इसको रैफ्ट चलाना है अभी, चला ले लेके चला जा, यही लेके चला जा तू, अरे यार ये जा नहीं रहा है, तो चलो अभी देखो धूप उठ चुकी है, अभी कितने ज्यादा बारिश हो रही थी और अभी धूप उठ चुकी है, देखो कितने बड़े साइज के, इसके साथ लड़ना सच में टफ हो जाती, फिर भी इजी है थेरीज़ा ने ज़रस, देखते हैं कब तक जाता है ये महाराज, ओ शिट यार अचानक से ऑल ऑफ सडन क्या हुआ इसको, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला बट किसको मार रहा है भाई, और ये अंदर देखो ये सारे मेरे डोडोस कैसे चिल्ला रहा है, अभी मैं स्टोन एरो से कोशिश करती हूँ क्योंकि ये तो इधर पे ही देखे जाके पता नहीं किसको मार रहा है, सच बता रही हूँ किसको मार रहे हो भाई, घर भर तोड़ने पे उतर आया है अभी, एक घर तोड़ के ही रहेगा मेरे को समझ में आ रही है, अभी स्टोन खत्म हो चुके, ये कैसे हो सकती यार ये कैसे निकल गई, ये पागल कार्बोनेमिस, मत रुको मेरे को अभी उतरना ही पड़ेगा, अब देते हैं इसको फटाफट से और मारते हैं, तो चलो फाइनली हम दोनों ने इधर पे इसको टेक डाउन कर दिया, अब इसको देखो कैसे पड़ा हुआ है, इसका मुंह देखो एक बार, मतलब मजा आ गया सच बता रही हूँ, मतलब इतने बड़े एक एनिमल्स को ऐसे सिर्फ थोड़ी सी मार पे ये नॉकडाउन हो जाएगा, मेरे को समझ नहीं आई थी, तो चलो फाइनली थेरीज़ा ने ज़रस तो इधर पे खत्म हो चुकी थी, और इधर पे देखो इसको देखो इस पागल को देखो देखो, अरे यार तू जा भाई जा, मतलब कैसे निकल सकते, ग्लीस देख रहे हो, देखो पूरा
कहीं पे खुला हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इधर से कैसे निकल सकता है वही मेरे को समझ में नहीं आ रही। इसको देखो, ओ भाई साहब, मतलब अलग ही नशा है इस गेम का। तो देखो देखो कैसे 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 घुसा है इधर। तो चलो भाई, चलो अब घर चलो। बहुत बहुत ज्यादा अपना मतलब दिखा लिया आपने, बहुत होशियार हो आप, इधर से निकल गए। हाँ, इधर पे सारे कुछ बंद है और आप इधर से निकल गए। तो अभी पे मैं काम करती हूँ, क्रॉसबो को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है ना। जो मेटल का क्रॉसबो है ना, उसको भी ओपन कर लिया। अभी उसको तो स्मिथी पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो जो चाहिए। तो स्मिथी में जाते हैं और देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो क्रॉसबो को बनाने के लिए जो चाहिए वो है ऊट फाइबर और मेटल इग्नोट। तो सभी कुछ है, फाइबर थोड़ा नहीं। तो मैं जाके फटाफट से फाइबर को भी उठा के लेके आती हूँ और चलते हैं। और फाइबर को देने के बाद बना लेते हैं अपना नया क्रॉसबो को, क्योंकि वो वाला क्रॉसबो भाई बिल्कुल खराब है। थोड़ा क्या मारा मेरे चार पांच स्टोन एरो और वो टूट गया। मतलब कैसा क्रॉसबो था वो, मतलब अरे भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये सब। मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला भाई, तुम जाओ यहाँ से, कुछ भी यार। खड़े खड़े में बना रही थी और आके मेरे पीछे खड़े गए। तो ट्रैंक एरो है और एक है स्टोन एरो, है ना। तो मैं इधर फटाफट से ट्रैंक एरो को बना लेती हूँ। ट्रैंक एरो को बनाने के लिए स्टोन एरो और नैकोटिक का दरकार होती है। नैकोटिक बनाना तो आसान है, नैक्रोबेरी और स्पॉइल मीट से आप लोग नैकोटिक को बना सकते हो मोर्टार एंड पेस्टल में, ठीक है। देखते हैं इसको लगा के कैसे दिखता है। ट्रैंक एरो का ग्रीन ग्रीन रहता है ना, तो अच्छा लगता है दिखने में। तो हो गया, चलो। तो स्टोन एरो लग चुकी थी, तो ऐसे करके मैं ले सकती हूँ ट्रैंक एरो को। तो ये ट्रैंक एरो आ गया, ठीक है। अगर स्टोन एरो लगा हुआ है तो अगर उसको चेंज करना है तो फिर बिल्कुल उस तरीके से कर लेना, हो जाएगा। तो इधर पे देखो कैसे दिख रहा है ट्रैंक एरो, बहुत ही सही दिख रही है, ग्रीन कलर की है। मतलब मुझे तो क्या ही बताए, सही लग रहा है भाई साहब, मतलब गन पकड़ के है, ऐसे फीलिंग आ रही है। तो चलो इधर पे हम एक चीज बताते हैं कि ब्लड एक्सट्रैक्शन सिरिंज का क्या काम होता है। जब आपका हेल्थ पूरा है तब आप इस सिरिंज के माध्यम से ब्लड को निकाल लेना, 2-3-4 पैकेट जितना हो सके। अब आगे अगर कहीं पे लड़ाई हुई, आपका तो हेल्थ चला जाता है ना, तब आप इस ब्लड को खा जाना तो आपका हेल्थ रिकवर हो जाएगी। बहुत काम की चीज है ये, यूज किया करो आप लोग। तो अभी अंदर चलो और दिखा दे कुछ इंटरेस्टिंग सब चीजें। ये देखो कितने सारे डोडो ने एग्स दिया, देखो देख पा रहे हो ना, कितने सारे एग्स, माय गॉड। चलो फटाफट से सारे एग्स को मैं उठा लेती हूँ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, फर्स्ट टाइम में इतने सारे एग को एक साथ देख रही हूँ, काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी मेरे को। तो इधर पे और एक चीज आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो, ये दो डोडो को मैंने मेट के लिए रखा था, बट ये मेट नहीं हो सकता। देखो, घंटे 8 मिनट 47 सेकंड्स के बाद ही ये लोग मेट कर सकता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर आप दूसरे फीमेल डोडो को लेके आइए, फिर जाके अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोसीडियर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दिक्कत नहीं होगा, बना एक ही डोडो से आप लोग आप बार बार एक पाना चाहोगे तो नहीं हो सकता है, उसके लिए दूसरे फीमेल डोडो की दरकार पड़ेगी, क्योंकि इसका मेट प्रोसेस तब चेंज हो जाती है। और इधर पे मुझे आज करना है एक पिटरोंटन को टेम, क्योंकि मुझे दिखाना है कि नैरकोटिक का एक्चुअल यूसेज कैसे होती है। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो पे कि मैं नैरकोटिक का यूसेज दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग अनकॉन्शियस, बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस नहीं कर पाते हैं, कि अनकॉन्शियस का जो ये जो पिंक कलर की लाइन है वो खत्म हो जाती है और ये जो पिटरोंटन है ये उड़ जाता है। इसको कैसे ज्यादा देर तक हम लोग अनकॉन्शियस रख सकते हैं उसको हम आज दिखाएंगे। तो इधर पे देखो 7.4% इज रनिंग और इधर पे पिंक लाइन जो है वो भी घट रहा है। अभी मुझे नैरकोटिक की दरकार है, तो मेरे पास नैरकोटिक नहीं था तो मैं घर आ गई थी और आके फटाफट से इधर से बहुत सारे नैरकोटिक को बना के जा ही रही थी कि सामने दिख जाते हैं मुझे एक मोस्टॉक, तो मैं और रोक नहीं पाती हूँ खुद को। मैंने सोचा कि टेम कर ही लेते इसको, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरे वाला जो मोस्टॉक है, दो मोस्टॉक मैंने टेम किया था लास्ट टाइम जहाँ पे मैं थी, पर दोनों को ही मैं गवा चुकी थी। तो इस कारण मैं फिर से और एक बार इधर पे मोस्टॉक को टेम करने के लिए आ जाती हूँ और इससे कैसे फार्मिंग किया जाता है वो भी आज हम दिखाएंगे। तो देखो कैसे फार्मिंग करते, इसको व्हिसल बजा के बुलाना, फॉलो कराना, फिर जैसे ही वो कोई भी मतलब टारगेट पे आ जाएगा, जैसे पेड़ के पास आ गया, तभी उसको स्टॉप कर देना। जैसे ही स्टॉप करोगे वैसे ही वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर देगा। देखो कितने सारे एक ही बार में, देखो एक ही पेड़ तोड़ा और कितने सारे फार्मिंग किया, सिर्फ वो चीज देखो आप लोग। फिर से मैं और एक बार दिखा देती हूँ, इसको फॉलो करवाना, व्हिसल बजा के इसको जस्ट फॉलो करवाना,
ये आपको फॉलो करेगा, जैसे ये टारगेट के एकदम क्लोज आ जाएगा वैसे ही उसको व्हिसल बजा के स्टॉप कर देना। कितने सारे गल लिया है किवार में, मतलब खतरनाक वाला फार्मिंग करता है। अभी जब से ये इसको मैंने टेम किया तब से तो मैं तो और नहीं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे कुछ भी चीजों के माध्यम से मैं और फार्मिंग करने वाली हूँ, इसको लेके मैं सारे कुछ फार्मिंग करने वाली हूँ। तो इधर पे मैंने बहुत सारी चीजों को फार्मिंग कर लिया और इधर पे मुझे एक जूता मिला है, तो ठीक है कोई नहीं। अभी मैंने बहुत सारे नार्कोटिक को बना के लेके जाऊंगी, मॉस्टर का काम दिखाने लग गई। कल शुरू पे ही बताती हूँ कैसे नार्कोटिक को यूज करोगे आप लोग। तो आज के लिए ही इतना ही। जाने से पहले 16 डेज गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका दोबारा से मिलती हूँ इसके आगे के सर्वाइवल डेज को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। टाटा एंड टेक केयर।